केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नैनो डीएपी उर्वरक को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को डीएपी तरल रूप में उपलब्ध हो सकेगी। इस फैसले से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान कराने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मोदी सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो तरल डीएपी को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि 500 ml की डीएपी की तरल बोतल 50 किलो खाद के बराबर है और परंपरागत डीएपी की तुलना में इसकी कीमत 10% कम है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। केंद्र शासन ने जो नैनो डीएपी को सहमति दी है, निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उत्पादन डीएपी जो परंपरागत डीएपी जो किसान उपयोग करते थे, उसके उत्पादन से लेके किसानों तक पहुंचने की, जो गांव दूरस्थ गांव में पहुंचने के लिए जितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता था, वो सारी चीज़ें बचेंगी, बहुत बड़ी लागत बचेगी। सरकार की इस कदम को सराहनीय बताते हुए देश के किसानों ने कहा कि डीएपी अब तरल बोतल में मिलेगा तो उत्पादन की लागत कम आने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। डीएपी एक बोरी के रूप में काम आता था, हम जैसे किसानों को लाने ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। अब वही डीएपी एक बोतल के साथ काम में ले सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में डीएपी दूसरी सबसे बड़ी उर्वरक खाद है। इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गौरतलब है कि नैनो तरल डीएपी की मंजूरी मिलना देश के किसानों के लिए न केवल एक बड़ी खुशखबरी है, बल्कि खेती किसानी की कृषि लागत को कम करने के साथ साथ अन्नदाता के जीवन को सरल बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब डीएपी की एक बोरी की तुलना में एक बोतल न केवल महत्वपूर्ण साबित होगी, बल्कि किसानों का जीवन सरल और आसान होने के साथ साथ उन्हें उत्पादन में भी फायदा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं ओपी यादव, DD News, दिल्ली।